सिपाही नहीं तो हम पूरे मोहल्ले को फंसा देंगे भाई। पेट घायल हुए हैं, मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरा बेटी घायल। अभी अभी भागलपुर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। भागलपुर में फिर से एक बम ब्लास्ट हुआ है जिससे घटनास्थल पर ही 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बम विस्फोट में 17 साल के युवक मोहम्मद तौसीफ की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं जिनमें मकान के मालिक अब्दुल गनी की पत्नी सुल्ताना खातून और अब्दुल मन्नान बताए जा रहे हैं। घटना बबरगंज थाना के हुसैनाबाद के कुरैसी मोहल्ला की है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 5 किलोमीटर से अधिक दूर तक विस्फोट की गूंज सुनाई दी। वहीं घर के मालिक अब्दुल गनी का साफ कहना है कि यह बम विस्फोट था और बम कहां से आया था उन्हें नहीं पता, वो मोहल्ले वाले से पूछ रहे हैं। कोई चीज छिपाइए नहीं तो हम पूरे मोहल्ले को फंसा देंगे भाई। हमको मालूम भी ना, कोई बताया भी ना, अभी हम दुकान से आ रहे हैं। ये घटना कितने बजे हुई? घटना का भी ना कोई खबर हमको। अभी आपको मालूम कैसे चला? कुछ नहीं, हम अभी दुकान से आ रहे, पूरे मोहल्ले में आए, हमको कोई नहीं बताया। लड़का का क्या नाम था? लड़का का तौसीफ है, हम उसके पिता है अब्दुल गनी। पूरा बम से उड़ा हुआ मेरा बच्चा है, ये बम कहाँ से आया? हम अपने घर में बम रखते है, आस पास में है, पूरे मोहल्ले से पूछिए ये ब्लास्टिक कैसे हुआ। पेट घायल हुए हैं, मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरा बेटी घायल। 6 आदमी घायल, 3 आदमी। आपके घर में बम कौन? हम ये आसपास का है, मेरे घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये गिरा है यहीं पर से कुछ है, किसी का ब्लास्ट। आपका घर गिरा है? हाँ, ये कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कहाँ रखा गया है, क्या है नहीं है, सबसे आप लोग पूछताछ कीजिए। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम अब्दुल गनी हुआ। मेरे घर हाँ, मेरे बेटे का नाम तौसीफ आलम है, मेरी बेटी का किसका हुआ? किस मेरा बेटा डेट हो गया। क्या नाम था? तौसीफ। वही यहाँ के वार्ड पार्षद पति का कहना है कि यहाँ पर बम का जखीरा रखा हुआ था जैसा उन्हें सूचना है और उसी में विस्फोट हुआ है। बम क्यों रखा गया था अभी तक कोई बता नहीं पा रहा। वहीं सिटी डीएसपी और कई थानों की पुलिस मामले की जांच में लग गई है। घटनास्थल पर बम स्क्वाड, एफएसएल सहित डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। वहीं विस्फोट के बाद आसपास के घरों में भी काफी क्षति पहुंची है। वहीं इस मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। रुके रहे कमर में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम। कहाँ घर हुआ? हुसैनाबाद। क्या लग रहा है, क्या शक लग रहा है, कैसे क्या हुआ? ये घटना कैसे हुई, क्या लग रहा है? हम लोग को नहीं पता, जिसका घर क्या हुआ, जिसका घर हुआ हम लोग का नहीं। आप बगल के बगल में रहने? 4-5 बजे आए घर में, एक बैग और एक बैग आवाज होता है, एक बैग आवाज होता है जिसके बिना पर हम लोग सुन के आवाज के जाते हैं। जब तो चारे की तरह लोट रही थी बाहर, लोट रही थी, बदन पर कपड़ा भी नहीं था शरीर के। तुरंत हम लोग कपड़ा देखिए, ये हमारा चादर भी है, हमारे घर का चादर है, हमारा लुंगी है जिसको बदन पर दिया हुआ। वह बस तुरंत हम लोग फौरन अपना ऑटो किए, ऑटो करके यहाँ लेके आए। अब घर में और क्या हुआ नहीं हुआ इसको हम नहीं देख सकते, कि बाहर में हम लोग बहुत जोर का आवाज़ था, खूब इतना जोर का आवाज़ था कि नालक ठीक हो गया। क्या लग रहा है, गैस सिलेंडर हुआ? गैस सिलेंडर हुआ। अब कोई बोल रहा था कि खाना बना रही थी, और घर भी इसका था एक घर, तो वही में सिलेंडर फट गया। कोई बोलता नहीं दीवार गिर गया, कोई बोलता गिर जा गया, अब क्या हाजी नाजी रहता। हम देखिए आपके सामने यहाँ लेके मौजूद है मरीज को, इसलिए कि मरीज की हालत में हालत हो रही थी, इसको छोड़ा तो जा नहीं। कैसे क्या हुआ है? हमको पता चला कि यहाँ पर विस्फोट हुआ है, हम आए देखो, हमने माया बम विस्फोट हुआ है, दो घायल है, एक मृत्यु हो गई। एक जो घायल है उसका नाम क्या? कोई महिला है? हाँ, महिला घायल। और मौत जो हुई? मौत हुआ एक लड़का है। किसके घर में ये ब्लास्ट हुआ? इसका अब्दुल अब्दुल करते हैं, अमीरबाग का है, पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड। क्या आशंका जताई जा रही है? ये बम विस्फोट है। बम विस्फोट है, बम मतलब कहीं कहीं ताकतवर बम। ताकतवर बम है, पूरा ताकतवर बम, पूरा घर उड़ गया, घर उड़ा हुआ है, जख्मी है, पैर कहीं हाथ कहीं है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
प्रशासन सब मौजूद है यहाँ, एक मिनट में सब प्रशासन आ गया। मुजफ्फरपुर हो, DSP साहब हो, बहरगंज हो, सब जगह सब प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। तो आखिर बम यहाँ आया कैसे? यहाँ आया कैसे, ये तो यहाँ जो लाया वो ना बता सकता है आया कैसे। मधुसूदनपुर में भी ब्लास्ट हुआ था, इसके बाद यहाँ भी इस तरह की घटना हुई। क्या लग रहा है, भागलपुर जो है बारूद के ढेर पे है क्या? ये पता नहीं है हम लोग को, हम मतलब ये नानी क्या रहती है, हम गरीब चक में रहते हैं। हाँ, हम अजमेरी शो में काम करते हैं, मजदूरा है। हाँ, तो जब जो किया है हमको मालूम हुआ है कि ऐसा यानी कि दीवार गिर गया है, तो यानी कि तो मार जो मेरे बच्चे का सूट फट गया है, तो वही हम आए देखने के लिए। तो वहाँ से मालूम चला कि नयागर हॉस्पिटल ले गया है। पूरा बम से उड़ा हुआ मेरा बच्चा है, ये बम कहाँ से आया? हम अपने घर में बम रखते हैं, या आस पास में है, पूरे मोहल्ले से पूछिए ये ब्लास्टिक कैसे हुआ। क्या घायल हुए हैं? मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरा बेटी घायल। क्या आदमी घायल? तीन आदमी। तो आपके घर में बम कौन? हम ये आसपास का है, मेरे घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये गिरा है यहीं पर से कुछ है किसी का। आप ही का घर गिरा है? हाँ, ये कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कहाँ रखा गया है, क्या है नहीं है, सबसे आप लोग पूछताछ कीजिए। क्या नाम हुआ? साहब मेरा नाम अब्दुल गनी हुआ। मेरे हाँ, मेरे बेटे का नाम तौसीफ आलम है। मेरी बेटी का किसका हुआ? मेरा बेटा डेड हो गया। क्या नाम था? तौसीफ। कितना उम्र? तौसीफ आलम, 17 बरस। आपका नाम? मेरा अब्दुल गनी। ये बस सिलेंडर कौन है, ये बम कौन उड़ा हुआ है? पत्नी का नाम क्या है? नाम लिखे सुल्ताना खातून। ये बम का ब्लास्टिंग है, ये भाई मोहल्ला छिपा था, पूरा मोहल्ला। भागलपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस जीप से उतरकर किस तरह से एक महिला पुलिस एक युवती का बाल पकड़कर उसके साथ बीच सड़क पर मारपीट कर रही है, मानो युवती कोई बहुत बड़ी अपराधी हो। जबकि युवती राखी कुमारी पिता के मरने के बाद और माँ को किसी और के साथ घर बसाने के बाद ट्यूशन पढ़ा कर अपना और अपने भाई का जीवन यापन कर रही है। युवती की गलती बस इतनी है कि अपने ऊपर उठने वाले गंदी नजर के खिलाफ युवती ने अमित कुमार नामक युवक पर कोर्ट में केस दर्ज किया था, जिसके बाद मुजाहिदपुर थाने की पुलिस अमित कुमार के खिलाफ संज्ञान लेने के बजाय युवती के साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दे दी। और राखी को यह कहा जा रहा है कि केस उठा लो, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारे नाना नानी के लिए अच्छा नहीं होगा। वही मामले पर सीनियर SP ने कहा है कि वीडियो की जाँच की जा रही है, वीडियो अगर सच्चाई पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस वालों की ओर से ऐसी धमकी शोभा नहीं देती, अगर पुलिस वाले ही ऐसी धमकी देंगे तो आरोपी और पुलिस वाले में क्या फर्क रह जाएगा? हम इंसाफ चाहते हैं। मेरे साथ लगभग हम साल भर से थाना दौड़ रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं उठाया गया। मेरे पापा 2006 में डेड किए थे, उसके मृत्यु के बाद हम लोग नानी घर आ गए रहने के लिए। नानी घर आ गए तो हम एक कम्प्लेन केस किए थे 311, तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं उठाया गया, तो कोर्ट द्वारा FIR हुआ। तो मैम लोग जो है नीति कुमारी जो है मेरे नाना नानी के घर पे आके जबरदस्ती हमको मारी पीटी, जैसे जानवर को मारा जैसा वैसा मार के हमको जबरदस्ती गाड़ी में ठेल के लेके आई थी। उसके अब जो भी मामला है वो मेरे एडवोकेट से बता देंगे सारा मामला। आखिर क्या हुआ था तुम बताओगी? तुम वही 311 में कंप्लेन केस हुआ है अमित कुमार के जरिए, विदाई का केस किया था मेरे ऊपर। अच्छा। इसी के सिलसिले में हम थाना गए थे, लगभग साल भर से हम दौड़ रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं उठाया गया, इसीलिए हम कोर्ट द्वारा ही FIR करवाया है। उसमें बोला जा रहा मैम बोली हम नहीं करेंगे, तुम अमित कुमार से मेल मिलाप कर लो। और मेरे भाई को नाना नानी को आके हमेशा धमकाता है कि तुमको किसी भी केस में हम फंसा देंगे। कौन धमकाता है? नीति कुमारी। नीति कुमारी? हाँ। वो कौन है? वो ऐसा है थाना में उतना तो पता नहीं है। और भी और वो चुनाव थाना की दरोगा है कि जमादार है कि सिपाही है? ऐसा ही है, SI ही है। SI है थाने के। ये लड़की हमारे पास आई थी, अपनी पीड़ित है ये, और अपने परिवार वालों में खासतौर पर इसकी जो माँ है उस माँ से ही रिलेटेड इसका केस है। और माँ ने किसी अमित कुमार से उसका कोई संबंध है पता नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसने जो बताया हालात, उस हालात को देखते हुए हमने एक केस फाइल किया है इसकी तरफ से। और उसमें ये है कि इसके फादर 2006 में एक्सपायर किए थे, और 2006 में एक्सपायर करने के बाद ये ननिहाल चली आई रहने के लिए। वहाँ इसके मामा का साला कोई अमित राय है, वो आता जाता था। इसी क्रम में इसकी माँ के साथ इसका क्या अटैचमेंट है ये बेहतर ये जानती है। और उसी सिलसिले में जब ये केस किया गया तो
दत्ता साहब के कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, दत्ता साहब ने FIR करने के लिए मुजाहिदपुर थाने पर को कहा, तो उनके कहने पर जो है FIR दिया गया और 13 तारीख को FIR दिया गया और 14 तारीख को जो है ये थाना की गाड़ी जिसमें नीति कुमारी कोई है PSI हैं और एक चुनू कुमार हैं, ये दोनों आकर के इनके घर पर गाली गलौज करते हैं जैसा ये बताती है, और इसका एफिडेविट भी कोर्ट में जमा है। इस सिलसिले में जो बयान इसने हमारे पास दिया, जो कोर्ट में दिया, वो सारा रिकॉर्डेड है और सारा लिखित है। उसके बाद से इस पर बराबर दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह से ये घर पर इसके साथ मारपीट किया गया है उसका वीडियो भी पूरी तरह से सामने है और सारे लोग जान रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी से भी आज हम लोग मिल चुके हैं, जिसमें DSP साहब भी हैं, उनको भी एक आवेदन की शक्ल में इनको दिया गया है, DIG साहब को भी दिया गया है, लेकिन अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी हम तो चाहेंगे बेहतर कि इसे सही इंसाफ मिले ताकि लोगों का कानून पर भरोसा रहे। ऐसा नहीं कि कानून के रक्षक की भच्चक हो जाए तो फिर आम पब्लिक का, आम इंसान का जीना तो बहुत मुश्किल हो जाए। कोई अपना हाले दर्द लेके थाना जाएगा ही नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे और पुलिस प्रशासन से और आला पदाधिकारियों से हमारे निवेदन है कि जो भी पुलिसकर्मी इसके दोषी हैं उनको उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। भागलपुर नगर निगम में दो खेमा बट गया है, एक नगर निगम प्रशासन और दूसरा नगर निगम के महापौर, उप महापौर और पार्षद। दोनों में लगातार 36 का आंकड़ा देखा जा रहा है। नगर आयुक्त और महापौर की लड़ाई में शहरवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन पहले शांति समिति की बैठक की गई थी जिसमें नगर आयुक्त ने महापौर, उप महापौर की गैर मौजूदगी में ही शांति समिति की बैठक कर ली। इससे महापौर, उप महापौर और पार्षद काफी नाखुश है। नगर आयुक्त के इस रवैये से परेशान होकर आज नगर निगम भागलपुर परिसर में पार्षद एकता मंच के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन में शहर के सभी वार्ड के पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पार्षदों का कहना है कि नगर आयुक्त हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, हम लोगों की किसी बातों पर अमल नहीं करते। हम लोग जनता के द्वारा चुनकर नगर निगम आए हैं, पार्षद बने हैं और जनता के बीच जो वायदे हम लोगों ने किए हैं वो हम लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि नगर निगम के नगर आयुक्त अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने हिसाब से नियम तय करते हैं, मेयर, उप मेयर और पार्षद की बातों को अनसुना करते हैं, जिसके चलते ना तो शहर में सफाई हो पा रही है और ना ही मूलभूत सुविधा ढंग से मिल पा रही है। साथ ही साथ प्रदर्शनकारी पार्षदों ने कहा कि होल्डिंग टैक्स में भी जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी पार्षदों ने एक सुर में कहा कि नगर आयुक्त की हिटलरशाही नहीं चलने दी जाएगी, अगर नगर आयुक्त हम लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे तो हम लोग सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे और यह प्रदर्शन और भी बड़ा रूप लेगा, हम लोग नगर निगम का कामकाज ठप कर देंगे। आज जो पार्षद एकता मंच के बैनर तले हम लोग जो धरना पर बैठे हैं, धरना का उद्देश्य है हम लोगों को, जो हम लोग जनता के द्वारा चुनकर नगर निगम आए और जनता ने जितना कमिटमेंट जनता के बीच हम लोग ने किया है वह कमिटमेंट अभी तक पूरा नहीं कर पाने का जो उम्मीद है कि नहीं हो पा रहा है, इसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज से दो दिन पहले शांति समिति की बैठक हुई थी नगर निगम परिसर में और शांति समिति में महापौर और डिप्टी मेयर का अनुपस्थिति रहना यह संकेत बताता है कि नगर निगम के प्रशासन के द्वारा यह मनमानी है। हम लोग इसके विरोध में धरना पर बैठे हैं। शहर की साफ सफाई एकदम काफ़ी चरमरा गया है, इसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। जो टैक्स जनता से लिया जा रहा है अभी हाउसिंग टैक्स, उसका 9.5% कमीशन ली जाती है, जनता त्राहिमाम है, इसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। ये सब बिंदु को लेकर असांकेतिक ये धरना है। अगर नगर के निगम के प्रशासन नहीं चेते तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपनी सरकार तक बात पहुंचाने का काम करेंगे और जोरदार तरीके से फिर प्रदर्शन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ असांकेतिक धरना पर हम लोग। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय टू गेट टू, बाय वन गेट 20% डिस्काउंट, बाय टू गेट 30% डिस्काउंट।
यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट फोर, बाय वन गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के लोग पानी के रूप में जहर का सेवन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्सेनिक, आयरन व गंदगी युक्त पानी का प्रयोग करना पड़ रहा है। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के गोसाई गांव, तितरी, भवानीपुर व नौगछिया अंतर्गत कई चापाकलों से गंदा पानी, आर्सेनिक व आयरन युक्त पानी निकल रहा है। जब TDS की जांच की गई तो 754 PPM मात्रा पानी में पाया गया, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, लेकिन लोग ऐसे पानी का मजबूरन सेवन करते हैं। CM नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल के तहत पानी घर घर तो पहुँचता है, लेकिन उसकी समय सीमा होती है और हजारों की आबादी को इतना पानी नहीं मिल सकता कि वो चापाकलों के पानी का उपयोग ना करें। कई चापाकलों के तो ऐसे हालत हैं कि उससे कीचड़ युक्त पानी निकल रहा है, ऐसा पानी जो किसी काम का नहीं है। कई जगहों पर पीला पानी निकल रहा है जिससे खाना बनाने पर खाना खराब हो जाता है, साथ ही कपड़ा धोने के बाद वो भी पीला हो जाता है, बर्तनों में पीला पन आ जाता है। खासकर गंगा किनारे वाले गाँव में यह हालत है। पिछड़ी विभाग पहल करने की बात तो करता है, लेकिन भागलपुर में इसको लेकर योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती है। यहाँ के पानी में बहुत जो है आर्सेनिक है और इस पानी से तो खाना उना बनता भी नहीं है, कपड़ा सब तो पूरा पीला उला हो जाता है। कपड़ा सिर्फ धोने के काम में अगर कोई भी वाइट कपड़ा रहता है तो वो सब पीला हो जाता है, खराब हो जाता है टोटल। कब परेशानी होती है? सबसे ज्यादा तो खाना बनाने के टाइम में, पीने लायक तो है ही नहीं पानी, पीने के लिए तो रोज हम लोग को खरीदना पड़ता है पानी, और खाना बनाने के लिए भी वही पानी यूज करते हैं। सब चापाकल की यही स्थिति, यही स्थिति है पूरा भवानीपुर में जो है, इसमें पूरा यही हाल है हर एक चापाकल में, चाहे नया हो रहे या पुराना रहे। कभी जांच के लिए कोई इधर कोई नहीं आए? एक बार आए थे, लेकिन वो क्या क्या जांच करके। पूरे लगभग हमारा गांव 10,000 का आबादी है और आधे से ज्यादा चापाकल की स्थिति यह है कि हर चापाकल से आयरन युक्त पानी निकलता है, पीने लायक पानी नहीं है, पूरा गंदा। अभी आप वीडियो में देखवे किए होंगे, हम जो चापाकल चला रहे थे, कितना गंदा पानी आ रहा है कि पीने लायक नहीं है। और सरकार का भी व्यवस्था जो है नल जल का कहीं पे सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। आप मेरे बगल में ही चलिए 6 नंबर वार्ड में, आज तक नल जल योजना का पानी कभी हम लोग पीबे नहीं। PHDD का जो है लगता है, मोटर लगता है, मशीन लगाया जाता है चापाकल में, यहाँ पे लगाया नहीं, कहीं पे नहीं, आर्सेनिक पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं।
तो लोग जो है आर्सेनिक पानी पी रहे हैं। हाँ, वही पानी मतलब आरो लगा के या कोई व्यवस्था करके छान के जिसको जैसे होता है वैसे पी रहे हैं। हाँ, बस कोई कपड़ा से छान के पी रहा है। बीमारी को आमंत्रण तो खुलेआम है, सरकार कह रही है घर घर को शुद्ध मतलब पेयजल उपस्थित उपलब्ध कराएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले तीन दिनों से स्नातकोत्तर सेमेस्टर तीन की परीक्षा तिथि बढ़ाने या फिर परीक्षा के बीच गैप बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन का दौर जारी है। सोमवार से परीक्षा होनी है और आज आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि अगर परीक्षा में गैप नहीं दी गई तो ये लोग परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कुलपति के द्वारा हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं को हॉस्टल से निकालने की धमकी तक दी जा रही है। लोगों का कहना है कुलपति के द्वारा तालिबानी रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं छात्रों के आंदोलन को देखते हुए कई थानों की पुलिस सहित सीआईटी की टीम भी विश्वविद्यालय में मौजूद है। वहीं मजिस्ट्रेट के भी तैनाती की गई है, लेकिन काफी समझाने के बाद भी छात्र काफी उग्र हैं और मांग पूरी नहीं होने पर परीक्षा बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। इंसान है, छात्र के भविष्य को देखते नहीं है। 18 दिन से शिक्षक हड़ताल पे है, छात्र हड़ताल पे 3 दिन से, लेकिन उनके कान में जू नहीं है। और ये पूरे कैंपस में जिस तरह से फोर्स बढ़ाया गया, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा है विश्वविद्यालय में, जिस तरह से फोर्स भर के छात्रों पर एफआईआर करके, शिक्षकों पर एफआईआर करके, कर्मचारियों पर एफआईआर करके, ये किस तरह विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं। छात्र विश्वविद्यालय में छात्रों की भविष्य बनती है ना, कि एफआईआर करके उसके गुंडा सिटी में नाम डाला जाता है। ये विश्वविद्यालय की तानाशाही हिटलर शाही कुलपति है, इस कुलपति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर आज शाम तक में कुलपति का निर्णय नहीं आया एग्जाम डेट आगे बढ़ाने का, तो सोमवार को 26 तारीख को परीक्षा बहिष्कार किया जाएगा। सभी छात्र एग्जाम देने सेंटर पे नहीं जाएंगे और परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। क्या मामले लेकर के लगातार कर रहे हैं? एग्जाम पार्थर सेमेस्टर का जो है उसका डेट बढ़ाने का लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। अचानक 4 दिन पहले घोषणा किया जाएगा कोई भी एग्जाम का, 10-15 दिन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है चोटी के तरफ से, विभाग के तरफ से, वार्डन के तरफ से, छात्रावास में वार्डन धमका रही है कि आप तुम लोग आंदोलन पे जाकर हॉस्टल से निकाल देंगे। किसी वार्डन का बपोती हॉस्टल नहीं है, कैंपस छात्रों का है। किरण सिंह वार्डन जो छात्रों को डरा रही है, धमका रही है, तब भी छात्र डर नहीं रहे, छात्र आ रहे हैं। आप हॉस्टल से निकाल दो चाहे कैंपस से निकाल दो, कैंपस हमारा है, हमारे वाजिब हक के लिए छात्र आंदोलन पे रहेंगे। जब तक छात्रों की बात नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। परवीन कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक आयशा। भागलपुर में इन दिनों सड़क हादसा होते ही रहता है, खासकर बाईपास में तो यह आम बात हो गई है। आज फिर तड़के सुबह एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र की बाईपास टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। तभी घटना होने के बाद गाँव वालों ने 112 नंबर पर डायल कर इसकी सूचना दी और 112 नंबर घटनास्थल पर पहुंचकर मोटरसाइकिल चालक जो बुरी तरह से घायल थे उसे मायागंज अस्पताल ले जाने के लिए 112 नंबर गाड़ी पर रखा और मायागंज ले जाने के क्रम में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मायागंज अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक का पता लगाया जा रहा है कि वो कहां का था और कहां जा रहा था। गौरतलब है कि मोटरसाइकिल चालक जिसकी मृत्यु हुई है उसके मोटरसाइकिल के पास बहुत सारे फूल मिले हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वो शायद पूजा करने जा रहा होगा या फिर कहीं फूल पहुंचाने जा रहा होगा। घटना तड़के सुबह तकरीबन 4:30 बजे की है। दुकान तो आपका रोड किनारे है, सुबह सुबह खुलता है दुकान आपका? कितने बजे हुआ है फिर भी कुछ पता होगा ना? हम आए थे 5 बजे। 5 बजे सुबह, अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है घटनास्थल पर। किस थाना क्षेत्र में है ये? वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में लगातार 16वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहां के शिक्षकों और कर्मियों के लिए 3 महीने पहले राशि आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी शिक्षकों और कर्मचारियों को यह राशि नहीं मिली है। इसको लेकर यह प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल
गरीब टालमटोल कर रहे हैं, उन्हें शिक्षकों के वेतन से कमीशन चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुलपति का कहना है कि वित्त पदाधिकारी नहीं है, उनके आने के बाद यह राशि मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यह बात आज की नहीं, 3 महीने से यह टालमटोल किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। वह घर परिवार चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। वहीं हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए सभी शिक्षकों ने कुलपति के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर हम लोगों की बातों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर देंगे और यहां के सारे कामकाज ठप कर देंगे। गौरतलब हो कि वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के इस प्रदर्शन में दर्जनों शिक्षक लगातार 16 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति का रवैया पूर्ण रूप से उदासीन है, जिससे अनुदानित शिक्षक कर्मचारी काफी आक्रोशित है। हम लोग धरना पर सारे शिक्षक कर्मचारी बैठे हुए हैं, वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी, और 3 महीना से विश्वविद्यालय में हम लोगों का अनुदान आया हुआ है, सब हिसाब किताब करके सरकार भेजी है, लेकिन कुलपति महोदय इसे भेजने में कतरा रहे हैं। खा मखा जो है कह रहा है कि वित्त पदाधिकारी नहीं है, जबकि वित्त पदाधिकारी से सारा काम करवा रहे हैं। राजभवन से वित्त पदाधिकारी अस्थायी रूप से आएंगे तभी कहता है कि हम भेजेंगे सभी कॉलेज को, एफिलेटेड कॉलेज को। हम लोगों का 16वां दिन है और अगर 2-3 दिन के अंदर चिट्ठी आने के बावजूद भी हम लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि चिट्ठी आने के बाद भी ये पैसा भेजने का काम नहीं करेंगे तो हम लोग विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे, विश्वविद्यालय का सारा काम ठप कर देंगे। भागलपुर में स्मार्ट सिटी का काम सभी क्षेत्रों में चल रहा है। सड़क का चौड़ीकरण हो या फिर शहर का सौंदर्यकरण हो या फिर बिजली का काम, सभी एक साथ चल रहे हैं, जिससे जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी हुई है। उसी बाबत भागलपुर से एक बड़ा ही अनोखा और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां BSNL तार की चोरी धड़ल्ले से की जा रही है। ताजा मामला भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह चौक पर स्मार्ट सिटी का कर्मी बता BSNL तार चोरी करते कुल 9 लोगों को स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने रंगे हाथ दबोच लिया। उक्त चोर को अधिकारियों द्वारा थाने की पुलिस को बुला सुपुर्द कर दिया गया। दबोचे गए सारे चोर अररिया के बताए जा रहे हैं। समूह को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ चल रहा है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि मैं ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा था, मुझे तार जोड़ने और काटने का काम कहकर अररिया से भागलपुर बुलाया गया था। यह चोरी का काम कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था, अन्यथा यह काम मैं कभी नहीं करता। तो क्या बोल के बुलाया था आपको? आपको पता नहीं था कि ये चोरी वाला काम है? ये सब नहीं बताया था, ये सब पता था, हम लोग भी नहीं करते, हम लोग भी जिंदगी प्यारा है ऐसा जिंदगी। आपका नाम क्या है? घर कहाँ है आपका? किसके घर में आए थे? मुंशी था फिरोज। मुंशी वो फिरोज कहाँ है? उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है जानते हैं? उसका मोबाइल नंबर है आपके पास? नंबर कहाँ रखा है? पापा का क्या नाम है? आपका आपका घर कहाँ है? आप किसके घर पे आए थे? सब एक ही साथ आए थे। आपका नाम? आप मतलब मुंशी का क्या नाम है? तो ये काम आप जो कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? इससे पहले भी कहीं किए हैं? बोल रहे हैं 10 दिन से आप लोग कर रहे हैं। उसका रूम लिया है, उससे भी पता कीजिएगा कि कब आया। आपका क्या नाम है? क्या नाम है कसके बोलिए? आपका घर कहाँ है? आपका पापा का नाम? किसके कहने पे आए थे आप? सब मतलब फिरोज के कहने पे आए थे? मतलब फिरोज क्या है, मुंशी है, सुपरवाइजर है, क्या है? और कोई है फिरोज के साथ? और कोई है? ओ, आपका नाम? आप किसके कहने पे आए थे? सर वही फिरोज लाया था। मतलब सब उसी के कहने पे आए थे और बोल रहा है 10 दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? 23 तारीख को आए हैं, कल से उसी का रूम लिए हैं। कहाँ पे रूम लिए हैं? पैठान इधर है, मस्जिद के सामने जहाँ पानी का टंकी है वही रूम लिए हैं पैठान का। क्या बोल के लाया था आपको? बोला ये चलो मजदूरी करने के लिए। तो आपको पता नहीं था कि चोरी हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग कम में किए हैं,
पहली बार। आज पहला दिन है? हाँ, पहला। ठीक। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना देते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे रिटायर्ड शिक्षक व कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों को सेवांत भुगतान लाभ नहीं किया जा रहा, जबकि राज्य सरकार ने सारा पैसा विश्वविद्यालय को दे दिया है। हम लोगों को लगातार कुलपति बरगलाने का काम कर रहे हैं और लटकाने का काम कर रहे हैं, जिससे सभी सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों की हालत काफी खराब हो गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोगों को पिछले 20 वर्षों से कई लाभ नहीं मिले हैं। पिछले 20 वर्षों से जो लोग रिटायर हुए हैं, उन सबों को कुछ न कुछ बकाया है। यह तरीका विश्वविद्यालय का सही नहीं है। कई कर्मी बीमार हो गए, ग्रेचुटी नहीं मिली, पेंशन चालू नहीं हुआ, इससे त्रस्त हो गए हैं। बहुत लोग तो बीमारी के चलते चल बसे। विश्वविद्यालय में इस तरह का भ्रष्टाचार अब सहन नहीं होगा। अगर हम लोगों की बातों को नहीं माना जाएगा तो हम लोग सरकार तक आवाज उठाएंगे। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के संयोजक सभूष्टा के महासचिव पवन सिंह ने कहा कि कुलपति से हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की। सामने तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद कागजी प्रक्रिया में वो शून्य है। कुलपति हम लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। हम सभी लोग रिटायर्ड टीचर और कर्मचारी हैं यूनिवर्सिटी के, और हम लोगों को सेवांत लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने सारा पैसा विश्वविद्यालय को हमारे संबंध में दे दिया है, एक एक पैसा। तो हम लोगों को लगातार लटकाए रखा गया है। पिछले 20 वर्ष से जो लोग रिटायर हुए हैं, उन सभी का कुछ न कुछ, किसी का हजार में, किसी का लाख में। बहुत सारे हमारे ऐसे कर्मचारी और शिक्षक हैं जो बीमार हैं, उनका पेंशन चालू नहीं हुआ, ग्रेच्युटी नहीं मिला, उनको इलाज की ज़रूरत है। बहुत से स्वर्गवासी हो गए हमारे साथी, उनकी विधवाओं को और आश्रितों को पैसे की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी हमारा पैसा दबा कर रखे हुए है, उस पर सूद कमा रही है। वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में लगातार 16वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहां के शिक्षकों और कर्मियों के लिए 3 महीने पहले राशि आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी शिक्षकों और कर्मचारियों को यह राशि नहीं मिली है। इसको लेकर यह प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल टाल मटोल कर रहे हैं। उन्हें शिक्षकों के वेतन से कमीशन चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुलपति का कहना है कि वित्त पदाधिकारी नहीं है, उनके आने के बाद यह राशि मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यह बात आज की नहीं, 3 महीने से यह टाल मटोल किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। वह घर परिवार चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। वहीं हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए सभी शिक्षकों ने कुलपति के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर हम लोगों की बातों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर देंगे और यहाँ के सारे कामकाज ठप कर देंगे। गौरतलब हो कि वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के इस प्रदर्शन में दर्जनों शिक्षक लगातार 16 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति का रवैया पूर्ण रूपे उदासीन है, जिससे अनुदानित शिक्षक कर्मचारी काफी आक्रोशित है। हम लोग धरना पर सारे शिक्षक कर्मचारी बैठे हुए हैं, वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी, और 3 महीना से विश्वविद्यालय में हम लोगों का अनुदान आया हुआ है, सब हिसाब किताब करके सरकार भेजी है, लेकिन कुलपति महोदय इसे भेजने में कतरा रहे हैं। खामखा जो है कह रहा है कि वित्त पदाधिकारी नहीं है, जबकि वित्त पदाधिकारी से सारा काम करवा रहे हैं। राजभवन से वित्त पदाधिकारी अस्थाई रूप से आएंगे, तभी कहता है कि हम भेजेंगे सभी कॉलेज को, एफिलिएटेड कॉलेज को। हम लोगों का 16वां दिन है, और अगर 2-3 दिन के अंदर चिट्ठी आने के बावजूद भी हम लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि चिट्ठी आने के बाद भी ये पैसा भेजने का काम नहीं करेंगे, तो हम लोग विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे, विश्वविद्यालय का सारा काम ठप कर देंगे।